नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। चाचा ने अपने ही भतीजी से किया दुष्कर्म, आरोपी शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास जिला से आ रही है। जिले के रोहतास थाना क्षेत्र के बंजारी से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आया है, जहां 45 साल के चाचा ने अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। रोहतास थाना अध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने ही बड़े भाई की 13 साल की बेटी के साथ रेप किया। आरोपी 45 साल का खलील अंसारी ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के दौरान घर में लड़की अकेली थी। परिजनों के आने के बाद लड़की ने इसके बारे में जानकारी परिजनों को दी तो लड़की के परिजनों ने इसकी पुलिस से शिकायत की, तो पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है। लड़की के परिजन ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोकल न्यूज 24 के लिए राजू मार्कोनी के साथ विश्वास चौरसिया की रिपोर्ट। आपकी बच्ची है, क्या नाम है इनका? ये घटना आपको कैसे मालूम हुआ? जी, छोटा सा बच्ची हमको पेशाब करने के लिए रोने लगी ना, तो बाहर में जैसे हम निकले तो मेरे दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा मेरा जब खुला था तो हम बच्चा को पेशाब करवा के अंदर गए, तो हमने सोचे कि मेरा दरवाज़ा क्यों खुला है, तो अपना घर का लाइट जलाए। लाइट जला करके हम अपना बच्चे को ढूंढने लगे, मेरा बच्ची घर में नहीं मिली। तो बड़े भौसों के देखे और घुसने के कुछ छत पर चढ़ते हुए, वहाँ फिर देखने के बाद में हम अपना बच्चे को ढूंढने लगे तो इसको देखे कि बैठका में बेहोश पड़े हुए हैं। तो फिर हम बाहर निकल के हाला बुला किए। गाँव वाला आया, सब गाँव वाला बोला सब कि अपना बच्चा दरवाजे पर पड़ ले रहा हो और तुम फोन करके चारों घर बुलाओ। फिर गाँव वाला अपना अपना घर चला। उनका नाम क्या है आपके भौसों के? खलील अंसारी। इस बच्चे की उम्र क्या होगा? 13 साल।